subscribe to ADDA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is your daily current affairs show. So, आज के शो में अगेन मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं. सो यहाँ पर जो भी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं वो सेशन को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं. ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. और आज के क्लास में मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस रखे हैं, इसके अलावा आज आपका एक और क्लास होने वाला है, वो क्लास है 4 PM क्लास, जो आपका मंडे वेंसडे फ्राइडे को जो आपका 4 PM क्लास होता है. आज की क्लास में हम कुछ बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को वहां पर कवर करेंगे. तो वो सेशन भी आपको देखना है. तो चलिए, आज का जो मैंने आपके लिए कोट रखा है वो क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू द डिसिप्लिन. ओके, सो काफ़ी बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम मोटिवेशन हमारे अंदर नहीं आता है किसी काम को करने के लिए, हम मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं. इन दैट सिचुएशन ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड. ओके, हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका हमेशा डिसिप्लिन्ड रहना ज़रूरी है. अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है, आपका जो पूरा रूटीन है उसको आपको फॉलो करना, अपना जो डिसिप्लिन बनाया हुआ है कि हाँ मुझे आज पढ़ाई करनी है, मुझे डेली पढ़ाई करनी है इस टाइम पर, तो वो अपना जो डिसिप्लिन है, वो अपना जो आपका रूटीन है उसको बस कंटिन्यू रखो, मोटिवेशन आपके अंदर अपने आप आ जाएगा. ठीक है, सो यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन इन दैट सिचुएशन. सो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर याद रख लेनी है. तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सेलिब्रेटेड वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी ऑन 21 मई. 21 मई को कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड डे किस चीज़ के लिए सेलिब्रेट किया, कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए. सो ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है. सो इन दैट क्वेश्चन यू विल आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ UAE. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UAE. अब यहाँ पर जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए, UAE जो है वो मेम्बर है, मेम्बर कंट्री है किसका, यूनेस्को का भी मेम्बर कंट्री है. वन थिंग, यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ यूएई. यूएई की कैपिटल और करेंसी क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है. आपको पता हो यूएई ने अभी डिक्लेयर किया था 2019 को एज ईयर ऑफ टॉलरेंस. तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ईयर ऑफ टॉलरेंस जो है वो किसने डिक्लेयर किया था 2019 को, तो भी आपके आंसर मार्क करके आएंगे, यूएई मार्क करके आएंगे. वो मेंबर यूनेस्को का है, यूनेस्को का यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है. सो आई विल टेल यू द हेडक्वार्टर इज़ इन पैरिस. पैरिस में हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है. और यहाँ के डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे ओजले हैं. ये जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं, वो भी कहाँ से हैं, फ्रांस से ही हैं, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं. ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से यहाँ पर याद रख लेनी थी. सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ओके, सो यहाँ पर आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी 21 मई. नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए विच इज़ रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट. एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फॉर सेकेंड टर्म. दूसरी बार इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट कौन बन गए हैं, ये क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है. सो देखिए, यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इंडोनेशिया है. अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुआ, इंडोनेशिया में अपॉइंटमेंट हुआ है. तो आप यहाँ पर कैपिटल एंड करेंसी जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो देखिए, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज जोको विडोडो. ओके, सो जोको विडोडो जो हैं वो क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, इंडोनेशिया के. अब इंडोनेशिया की कैपिटल एंड करेंसी क्या है, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, जकार्ता है, एंड द करेंसी इज रुपया. वन मोर क्वेश्चन, हु इज इंडियाज एम्बेसडर टू द इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के लिए इंडिया के एम्बेसडर का क्या नाम है. सो प्रदीप कुमार रावत जो हैं, क्योंकि आपको पता है एम्बेसडर्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं. सो आप बता देंगे, प्रदीप कुमार रावत इज इंडियन एम्बेसडर टू द इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के लिए क्या है, हमारे एम्बेसडर हैं. ये वाली चीज़ भी हमें यहाँ पर याद रख लेनी है. सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके, सो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा ये जो इमेज है वो जोको विडोडो का है. स्लाइड.
who has been acknowledged as the most viewed comedian across the world by World Book of Records London. World Book of Records जो है उसे किसको most viewed comedian बताया है इंडिया में भी और all over world जिनको देखा जाता है, तो वो कौन है? इंडिया में से ही है वो? ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. यहाँ पर आप सभी को पता होगा वो कौन हो सकते हैं. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज कपिल शर्मा. यानी कपिल शर्मा जो हमारे इंडिया के कॉमेडियन हैं उनको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखा जाता है. दिस इज द रिकॉर्ड. ओके, ये आपको यहाँ पर चीज़ पता होनी चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. ऑब्वियसली यहाँ पर आप सब जानते होंगे कपिल शर्मा को. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो विच बैंक हैज टाइड अप, आना चाहिए थे यहाँ पर, विच बैंक हैज टाइड अप विद FMCG आर्म ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री तत्व. देखो यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री तत्व है, ये आपको बताना है कौन से बैंक ने इसके साथ पार्टनरशिप कर लिया है. देखो यहाँ पर जो पार्टनरशिप किया है वो आंसर यहाँ पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐप है आपको पता होगा योनो. अब जो योनो यूजर्स हैं उनको यहाँ पर अगर श्री श्री तत्व के वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उनको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 15% का डिस्काउंट मिलेगा. इसलिए ये दोनों का पार्टनरशिप हुआ है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. वन मोर थिंग जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ योनो, योनो का फुल फॉर्म क्या है? तो यू ओनली नीड वन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट, योनो. और दिस इज़ ये किससे रिलेटेड है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है. डेफिनेटली आपसे योनो के बारे में भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से बैंक से रिलेटेड है, तो आप ये चीज़ बता देंगे 15% डिस्काउंट देने वाले हैं वो इसके ऊपर, ठीक है, इनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डे इज़ ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, ए बी सी डी ऑप्शन में से. सो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 20th मे. ओके, सो 20th मे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे. अब आपको एक और चीज़ पता हो तो हमारा वर्ल्ड बी डे जो है वो भी कब मनाया जाता है, 20th मे को मनाया जाता है. लास्ट क्लास में मुझे पता था आंसर 20th मे है, लेकिन आपको पता है आप माइंड में कुछ होता है, आप बोल कुछ रहे होते हो, तो उस टाइम मैंने आपको गलती से 18 मे बोल दिया था. लेकिन हमारा जो वर्ल्ड बी डे जो है वो कब मनाया जाता है, 20th मे को ही मनाया जाता है, और इस दिन हम वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे भी मनाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. सो आपसे यहाँ पर थीम भी पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फंडामेंटली बेटर, ये दिस वॉज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे. नेक्स्ट स्लाइड. विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद गूगल टू एक्सपेंड वाईफाई फुटप्रिंट इन इंडिया, यानी कौन से ऐसे टेलीकॉम कंपनी है जिसने अपना पार्टनरशिप कर लिया है गूगल के साथ में कि वहाँ पर वहाँ उस कंपनी के जगह जगह पूरी कंट्री में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे गूगल के पार्टनरशिप के साथ, और जो आप परचेज कर पाएंगे थोड़ा सा अमाउंट पे करने के बाद में. सो ये कौन सी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, ए बी सी डी ऑप्शन में से. देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज BSNL. ठीक है, तो BSNL के ऑल ओवर द कंट्री क्या लगाए जाएंगे, वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे इट इन पार्टनरशिप विद द गूगल, गूगल के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप के साथ में. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके, सो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा BSNL पार्टनर्ड विद गूगल टू एक्सपेंड यूनिट्स वाईफाई फुटप्रिंट अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, तो वहाँ पर वाईफाई फुटप्रिंट लगाए जाएंगे BSNL के. सो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. आपके यहाँ पर 5 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज विल अटेंड द फॉरेन मिनिस्टर मीट, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज जी जो हैं वो अटेंड करने वाली हैं फॉरेन मिनिस्टर मीट को. द क्वेश्चन इज द मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी, ये जो मीटिंग होने वाली है कौन सी सिटी में होने वाली है, ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है. देखो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिश्केक. बिश्केक यहाँ पर आपको याद रख लेना, वो कौन सी कंट्री का कैपिटल है ये भी आपको पता होना चाहिए. तो बिश्केक से आपको क्या याद रख लेना है, किर्गिस्तान याद रख लेना है. And the currency is what? सोम. यहाँ से आपको जो करेंसी याद रखना है वो क्या याद रख लेना है, सोम करेंसी आपको यहाँ पर याद रख लेना है. किर्गिस्तान, बिश्केक और आपको यहाँ पर सोम याद रख लेना है.
ओके, सो ये जो आपको फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होने वाला है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है, ये चीज आपको यहाँ पर मिस हो गया है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप क्या बता देंगी, बीजिंग चाइना जो है वो हेडक्वार्टर है किसका, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बिश्केक में हुआ था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड ओवर 2 लाख आइडेंटिटी कार्ड्स टू रोहिंग्या एज प्रूफ ऑफ देयर राइट टू वेंट बैक टू द म्यांमार, यानी म्यांमार में वापस जाने के लिए 2 लाख रोहिंग्याज को यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड दिए गए हैं, तो ये आइडेंटिटी कार्ड उनको किसने प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको पता हो रोहिंग्या जो है वो म्यांमार में रहने वाले मुस्लिम्स थे जिनको वहाँ से निकाल दिया गया था, तो अभी उनको वापस वहाँ पर जाने के लिए परमिशन जो मिली है थ्रू एन आइडेंटिटी कार्ड वो किसने प्रोवाइड किए हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, देखो म्यांमार कभी प्रोवाइड नहीं करेगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो यूनाइटेड नेशंस है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अभी वो कहाँ पर रह रहे हैं, कुछ इंडिया के पार्ट में रह रहे हैं, कुछ बांग्लादेश में रह रहे हैं, लेकिन अभी उनको वापस भेज दिया जाएगा म्यांमार में। तो म्यांमार की कैपिटल कौन सी, आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशन का वो न्यूयॉर्क में है, आपसे ऑर्गेनाइजेशंस में एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सो दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो हेड हैं किसके, यूनाइटेड नेशंस के। सो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC कैपिटल एडवाइजर लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टर्म्ड एज हार्ट, ठीक है, तो एक HDFC लिमिटेड जो HDFC कैपिटल जो है वो एक सब्सिडरी है किसकी, HDFC लिमिटेड की, तो उन्होंने क्या लॉन्च किया है, उन्होंने हार्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है विद एन ऑब्जेक्टिव टू मेंटर पार्टनर एंड इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट, ठीक है, रियल एस्टेट कंपनीज जो होती हैं उसमें वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारा ये जो हार्ट है उसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर ये आपको बताना है, इसमें जो ए है उसका मतलब क्या है, ओके, सो आपको बताना है इसमें जो ए है उसका क्या मतलब है। सो यहाँ पर अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे वो है HDFC अफोर्डेबल रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ओके, सो ए स्टैंड फॉर व्हाट, अफोर्डेबल आएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है, तो आपको HE से क्या याद रख लेना है, यहाँ पर HDFC याद रख लेना है, उसके बाद ए स्टैंड फॉर अफोर्डेबल, आर स्टैंड फॉर रियल एस्टेट एंड टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रीजनल रूरल बैंक इज थर्ड टॉप RRB परफॉर्मर इन द कंट्री, RRB परफॉर्मर जो बैंक है उसमें थर्ड नंबर पे सबसे अच्छा परफॉर्मर RRB कौन सा है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा आप बता सकते हैं विच वन इज द टॉप RRB इन इंडिया, इंडिया का टॉप RRB कौन सा है, सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है रीजनल रूरल बैंक में, अगर हम ग्रामीण बैंक की बात करें तो देखो अगर थर्ड स्पॉट पर आपसे पूछा जाएगा तो वो आ गया है अब त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है, तो आपको इसे याद रख लेना, थर्ड स्पॉट पे कौन सा बैंक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। यहाँ पर आपसे मैं पूछ रही हूँ कि हु इज द चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है उसके चेयरमैन का क्या नाम है। अगेन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है उसको स्पॉन्सर किसने किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। और यहाँ पर आपसे अगर हेडक्वार्टर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगी, अगर तलामिस का हेडक्वार्टर है, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर बैंक है, हेडक्वार्टर इसका अगरतला में है, अगर आपसे यहाँ पर चेयरमैन पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे महेंद्र मोहन गोस्वामी जो हैं वो चेयरमैन है, किसके चेयरमैन है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के चेयरमैन है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो 20th May ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड बी डे, जो मैंने आपको बताया था, वट वॉज द थीम ऑफ द वर्ल्ड बी डे, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बी डे जो हमारा गया है उसका थीम क्या था ABCD ऑप्शन में से। तो देखिए यहाँ पर जो उसका थीम था वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज सेव द बीज, ओके, सो थीम आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपको सेव द बीज वहाँ पर मार्क करके आना है। देखते हैं आज के सेशन का हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू रिवैम्प उजाला क्लिनिक फॉर द एडोलेसेंट्स के लिए उजाला क्लिनिक्स जो है वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर शुरू करने वाली है, फिर से सेटअप करने वाली है। तो यहाँ पर आपको बताना है ABCD ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, राजस्थान है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप, अशोक गहलोत बता देंगे,
एंड द गवर्नर इज कल्याण सिंह. ठीक है, कल्याण सिंह जो है वो गवर्नर है राजस्थान के, सीएम अशोक गहलोत हैं. यहाँ पर क्या होने वाला है इन क्लिनिक्स में, यंगस्टर्स का वहाँ पर काउंसलिंग होने वाला है, पर एजुकेशन से रिलेटेड काउंसलिंग हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें उन क्लिनिक्स में होने वाली हैं. अगेन मैंने आपसे लास्ट क्लास में एक बात पूछी थी कि आप क्या चाहते हैं कि हम बैंकिंग अवेयरनेस को कैसे शुरू करें. तो हम जो बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास आज करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, हम पहले आरबीआई से रिलेटेड कुछ भी आपका बेसिक जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लाइक उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब नेशनलाइजेशन हुआ था वहाँ पर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके आने वाले बैंकिंग एग्जामिनेशंस में. तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम वहाँ पर कवर करेंगे ताकि आपको पता चले आरबीआई से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ वहाँ पर चल रहा है. ओके, सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं आप सेशन को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक. Subscribe to Adda 247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.